अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्पाइस कुजीन। आज हम बनाएंगे खजूर के लड्डू, डेट्स एंड नट्स लड्डू हम बनाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों को आप ये उनके स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बेहद मज़े के बनते हैं। मैंने ये घर में बनाए और मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आए हैं, मुझे ख़ुद भी ये बहुत पसंद हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत हेल्दी हैं, बहुत न्यूट्रिशियस हैं। बच्चों को चूँकि छोटी एज में इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें उनको देने चाहिए ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स वग़ैरह। तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चों को देने के लिए, जो बच्चे नहीं आसानी से खाते ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स। इसके लिए यहाँ पर मैंने मक्खन लिया है 1 चाय का चम्मच, और इसको मैंने पैन में डाल दिया है। आप इसको पैन में डालकर पिघला लीजिए। मक्खन मेल्ट हो जाए तो अब मैं इसमें डालूँगी अखरोट 1 खाने का चम्मच। आप देख सकते हैं कि ये साबुत नहीं है, मैंने इनको काटा हुआ है थोड़ा मोटा मोटा। काजू यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 खाने के चम्मच, और इनको भी मैंने काटा हुआ है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बादाम, ये मैंने छिलके समेत ही इस्तेमाल किए हैं, और इनको भी मैंने इस तरीके से मोटा सा काटा हुआ है। ये भी 1 खाने का चम्मच हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ज़रा ज़्यादा बेस्ट लगते हैं खजूर के साथ। आप कोई और ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी पसंद हो। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से आप इसमें मुसलसल चम्मच साथ साथ चलाते रहें। जब ये तकरीबन आधे रोस्ट हो जाएं, तो इसमें मैं डाल दूँगी तिल, सफ़ेद तिल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। और ये डालकर आप इसको मज़ीद 1 मिनट तक रोस्ट कर लें। जब आप देखें कि इनका कलर चेंज हो रहा है और भूनने की वजह से इनमें से बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाती है। जब वो खुशबू आने लगे और इनका कलर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। अब आप इनको किसी प्लेट में निकाल लीजिए। अब उसी पैन में मैं मज़ीद मक्खन डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और इसको भी मैं पिघला लूँगी। आप यूँ चम्मच चलाइए ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खजूरें, ये मैंने ली हैं डीसीडेड, और ये हैं 100 ग्राम। और खजूरें नरम होनी चाहिए, मैंने जो इस्तेमाल की थी ये काफ़ी नरम थी और इनकी गुठलियाँ भी निकली हुई थी। अगर आपकी खजूरें थोड़ी सख्त हैं तो आप उनको पहले 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो लें, उनके सीड्स को रिमूव कर लें, और उसके बाद इस तरीके से आप बारीक बारीक काट लें जैसे मैंने काटा हुआ है, और फिर आप इस्तेमाल करें। अगर आप सख्त खजूरें डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रोसेस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपके पास सॉफ्ट वाली खजूरें नहीं हैं तो आप उनको गर्म पानी में भिगो लें। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ, इस तरह से रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट करते करते साथ साथ मैं चम्मच की मदद से, जैसे जैसे ये नरम होना शुरू होंगी, मैं इनको चम्मच की मदद से मैश करती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से साथ साथ मैं इसको मैश कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। बड़ी एक ज़बरदस्ती खुशबू आ जाती है ये इलायची का पाउडर डालने से इसमें। अब आप देखें कि ये तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल मैश हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपका भी होना चाहिए जब आप बनाएंगे। इस प्रोसेस में मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पेपर ले लिया है। अब बेकिंग पेपर इस्तेमाल कर लें या फिर बटर पेपर ले लें। इसके ऊपर अब जो ये खजूर का हमने आमेज़ा पकाया है,
इसको आप डाल दीजिए और इसको 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ी देर आप छोड़ दें ताकि ये हल्के से नीम गर्म हो जाए। बिल्कुल गर्म गर्म पे आप इस पे काम नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको आप छोड़ दें। जब ये नीम गर्म हो जाए तो जो हमने नट्स पहले से फ्राई करके रखे थे, रोस्ट करके रखे थे, वो आप इसमें डाल दीजिए और इस तरह से मैंने ग्लव्स पहन लिया है। आप भी ग्लव्स पहनकर इसको इस तरह से कीजिए। नट्स डालकर आप इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं और साथ साथ इनको मिक्स करते जाएं। प्रेस करने से ये होगा कि बाद में जब आप लड्डू इसके बनाएंगे या बॉल्स बनाएंगे तो वह आसानी से बनती जाएंगी। इस तरह से मैं हाथ की मदद से पहले इसको प्रेस कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। एक बिल्कुल यकजान अमेज़ा आपके पास आ जाएगा। खजूर वाले अमेज़े में ये तमाम नट्स मिक्स हो जाएंगे। कुछ इस तरह का अमेज़ा आपके पास आएगा तो इसके बाद आप अब बॉल्स बनाना स्टार्ट करें। जितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं वैसे आप बना लें। मैंने बाइट साइज़ में बनाई थी और इस मकदार से आपकी तकरीबन 8 से 10 बन जाएंगी। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इस मकदार को आप डबल कर लें। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि आप इनको काफ़ी अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में आप इनको ठंडा करके रख लें, काफ़ी अरसा ये फ्रिज के बगैर भी निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त से हमारे खजूर के लड्डू तैयार हो चुके हैं। बहुत ये हेल्दी रेसिपी है, आप ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल कर दे सकते हैं कैंडीज़ की जगह पर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।